दुर्ग नगर निगम के महापौर व शहर विधायक की उपस्थिति में दुर्ग के पटेल चौक में नगर कीर्तन भ्रमण यात्रा का स्वागत किया गया। विधायक वोरा व महापौर ने पंच प्यारों को माला पहनाकर उनका स्वागत। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित शताब्दी समागम के तहत निकाली गई नगर कीर्तन यात्रा का रविवार को दुर्ग के पटेल चौक पर दुर्ग नगर निगम द्वारा स्वागत किया गया। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के अध्यक्ष अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, महामंत्री राजेंद्र साहू, अल्ताफ अहमद आदि के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। नगर भ्रमण कीर्तन यात्रा के पहुंचते ही विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल और कांग्रेस के महामंत्री राजेंद्र साहू, अल्ताफ अहमद ने पंच प्यारों को फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया और यात्रा में शामिल सभी लोगों के लिए शीतल पेयजल उपलब्ध कराया। इस संबंध में न्यूज़ टीम को उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मानवता का रास्ता सिखाया, सर्वधर्म समभाव की भावना से जीना सिखाया। ऐसे सिख समाज के महान संत धर्मगुरु तेग बहादुर जी की आज 400वीं जन्मोत्सव जयंती के अवसर पर यात्रा यहाँ से निकली है। पूरे प्रदेश तो इस बात का संदेश देगी कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, इसका सही सदुपयोग किया जाए, एक दूसरे के काम आया जाए। कभी भी कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिससे कि मानवता को कष्ट हो। ये शताब्दी 400 साल हो गए, ये शताब्दी समागम है। मैं आज के इस अवसर पर यात्रा का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस बात का हम सब संकल्प लेते हैं शहरवासी कि तेग बहादुर सिंह जी के बताए हुए मार्गों पर हम चलेंगे। गुरु श्री तेग बहादुर जी का 400वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से पूरे प्रदेश में मनाई जा रही है। आज जो शोभा यात्रा रायपुर से नेहरू नगर होते हुए राजेंद्र पार्क होते हुए और यहाँ पे आज पटेल चौक के पास नगर निगम परिवार और कांग्रेस परिवार के द्वारा यहाँ और स्वागत किया गया। गुरु ग्रंथ साहब और पंच प्यारे का यहाँ हम लोगों द्वारा आशीर्वाद लिया गया। दुर्ग की सुख शांति और समृद्धि की हम लोगों के द्वारा यहाँ कामना की गई और विश्वास भी हम लोगों के द्वारा दिलाया गया कि उनके बताए गए मार्गों में चल के, सत्मार्गों में चल के हम हमारे शहर को, हमारे प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाएंगे। 400वें अवसर पर पूरे प्रदेश कांग्रेस के द्वारा और यहाँ के नागरिकों के द्वारा एक संत समागम यात्रा और देशों को लेकर, उनके ग्रंथ को लेकर जो यात्रा निकली है उसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई देता हूँ और हमारे समुदाय के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि वो ऐसी यात्रा निकाल कर राम नवमी के पर्व पर यह आग्रह खाया है और ज्यादा पर्व है और मैं राम नवमी समारोह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु नानक देव जी की नवी ज्योत जो कि 400 साल समागम सिख कम्युनिटी के द्वारा मनाया जा रहा है पूरे देश में और जिसके उपलक्ष्य में रायपुर में स्थित 23 एवं 24 अप्रैल को इसका कार्यक्रम रखा गया है। उससे पहले शोभा यात्रा के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में यात्रा निकाली गई है जिसमें पंच प्यारे एवं गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ ये यात्रा निकाली गई है एवं गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु रहे हैं उन्होंने जो सभी धर्म की रक्षा के लिए जो शहादत दी थी उनके उपदेशों को फैलाना एवं सभी धर्मों की रक्षा करने का कार्य निरंतर जो कम्युनिटी करती आ रही है उनके निर्देशों को फैलाने का कार्य इस समागम के द्वारा किया जा रहा है और सभी धर्मों को मिलजुल कर साथ रहने का इसमें संदेश दिया जा रहा है। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।